जोनिया हाँ बेटा दीवार से दूर हटो, दीवार तोड़ रहे हम, ठीक है सबको दूर कर दो यार, थोड़ा ना थोड़ी दो, थोड़ी तोड़ो चेक करेंगे जी, हाँ मारो नदीम भाई क्या नदीम भाई, अरे हथौड़ा लाओ यार जल्दी से, वो बच्ची की आवाज आ रही है अंदर से, लाओ थोड़ी दीजिए आइए, अच्छा भाई को दे दे चाले चाचा का गेट बजाया पर उन्होंने ना सुनी ना गेट खोला, बस ये बोल रहे थे उनकी कि मामू आएंगे तो फिर पापा बात करेंगे, मामू आएंगे तो पापा बात, पर वो लोग नहीं आए। जब इन लोगों ने मैंने अपनी मम्मा को बहुत मुश्किल से संभाला कि मेरी मम्मा सांस की मरीज, मेरी मम्मा दिल की मरीज़, मेरी मम्मा हर चीज़ की मरीज़, में मैंने अपनी मम्मा को बहुत मुश्किल से संभाला है। बाहर आए थे तो इन्होंने हमें धक्का दे के, मम्मा धक्का दिया ना इन लोगों ने, तो मम्मा जाके गिर गए, मम्मा बेहोश हो गए, मेरा गला पकड़ के धक्का दे के एकदम कुंडी लगा के दीवार उठा दी इन लोगों ने, और पीछे वाले का गेट बजाया वो भी नहीं सुन रहे थे। हमें नहीं पता था इनका क्या इरादा है, पर इन्होंने बजरी बजरी मंगाई थी, हमने बोला अपने घर के काम के लिए मंगाई होगी, इन्होंने फिर हम जैसे सहन में आने लगे ना तो इन्होंने हमें दिया धक्का, मुझे धक्का दिया ऐसे करके, तो मैं कमरे में जाके गिरी, मेरी बच्ची मेरे साथ थी तो इसको यहाँ गले से पकड़ के धक्का दिया, मैं तो बेहोश हो चुकी थी, उन्होंने फटाफट कुंडी लगाई और पीछे से दीवार बनाई है। हम चीखती रही, मेरे को भी संभालती रही, चीखती रही, पर किसी ने नहीं सुनी हमारी। हमारे पीछे एक दरवाज़ा और है देवर की तरफ, हाँ वो बजाते रहे, चीखते रहे, उन लोगों ने भी नहीं सुनी हमारी। हम 12 बजे से कल से बंद थे, जो रात को निकाला है हमें तारिक भाई वगैरह ने, इन लोगों ने, पुलिस ने, सब, जो हमारी हालत थी मरने जैसी थी, जितना जुल्म हमारे साथ कर रहे हैं ना, खुदा दिखा इनको। तकरीबन नेम ये कौन, ये लोग ये मेरी शॉर्ट थे ना, उनके मामू के बेटे ने करा और उनके साले ने करा है, मेरा देवर है ये भी, और जो सगा देवर है वो पीछे रहता, उन्होंने भी गेट नहीं खोला, हम बजा बजा के थक गए, नहीं खोला ना, हम कोई मदद को आए हमारे नाम है उनका इरफान पीछे जो रहते हैं, और इनका नाम है सोहेल अहमद, उनके साले वसीम और उनकी बेगम सायमा, ये लोग थे, इन्होंने हमें धक्के दे दे के अंदर फेंका है। क्या कह रहे हैं ये हमारे घर पे कब्जा करना चाह रहे हैं, जबकि इनका घर नहीं है, मेरे शौहर के नाम पर है, ना पीछे वाले के नाम पे, ना किसी के नाम पे। 4 साल से हम अजियतें भुगत रहे हैं, हमारे पास ना गैस है, कभी लाइट 2-2 महीने के लिए बंद कर देते हैं गर्मी में, हम परेशान रहते हैं, गैस भी नहीं है, हम हीटर पर पकाते हैं तो मेले में जा के पकाते हैं क्योंकि हमारे लाइट काट देते हैं, पानी हमारे पास नहीं है, वॉशरूम हमारे पास नहीं है, कुछ नहीं है, इस तरह इन लोगों ने हमें सता के रखा हुआ है, लड़ाई झगड़े, इतनी गंदी अल्फाज देना, मारने को आना। सोहेल ने 2 दफ़ा पहले भी मेरी बच्ची पे हाथ उठाया है और मुझे भी गालियाँ देते हैं, मैं उसकी बीवी मुझे मारने को आती है, पीछे वाले की बीवी भी ऐसी है। मैंने 10 दफ़ा अपने भाइयों को बुलाया इस पैसे लेके नहीं है, पर मेरे भाई आते हैं मुन्ना उनको पागल बना के भाग जाता है कि मैं आ रहा हूँ, और फिर मोबाइल भी बंद होता है, दुकानों पे जाते हैं तो इरफान नाम है उनका, दुकान पे भी जाते हैं तो वो मिलते नहीं है, सारा सारा दिन मेले से पूछा, इस तरह परेशान होते रहते हैं मेरे घर वाले, टंडो आदम से इतनी दूर से आते और ये लोग इनके साथ ऐसे सलूक करते हैं। अभी आप कहाँ रह रही हैं? अभी हम यहाँ रात भर हो गई थाने में से, अभी फारिग होकर आ रहे हैं। सोहेल अहमद साहब मारने की कोशिश की, मारने की कल कोशिश हुई है, जो हमें बंद करके जो कराए, दीवार चुनवाई है, धक्के दे दे के अंदर हमें फेंका है, गिरा है, मुझे भी वो कल से वो बस ये दीवार चुन के गए, अभी तक नहीं आए वो वापस, आएगा भी कि हमें के साले ने भी हमारे साथ ने, साले का भी नाम है ना वसीम, वसीम है उसके साले का नाम, जिन्होंने धक्का दे के अंदर करा था, उनके बच्चे भी हमारे साथ में बदतमीजी करते हैं सोहेल के, कह रहे हैं कि ये घर हमें दें, वो कहते हैं नहीं घर बेच दिया, जब चीज हमारी तो बेचने वाले ये होते कौन है, आवाज़ तो आ गई, ये पकड़ा यार।
यार और भी लो, और भी लेके आओ, ये बात सुनो बाबा, ये तोड़ो, ये तोड़ो, हो गया, तसल्ली से, तसल्ली से, घबराने का आरोप नहीं है, काम तो हो गया। बात सुनो, अंदर से दो वो पत्थर, पत्थर को अंदर से, हाँ बढ़िया ही है नितिन भाई, अच्छे से यार, ये रश क्या, आपको क्या मसला है, थोड़ा पीछे मेहरबानी करो यार।